नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नीट 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है लॉकडाउन के बाद, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे फिज़िक्स के टॉप 20 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल से एम्स जैसे जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी शामिल हो चुके हैं नीट के अंदर। तो आपको पता ही होगा कि इस बार का जो लेवल है पेपर का, ओवरऑल पेपर का, वो उठने वाला है। तो इस बार के पेपर को हम कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं और पहली बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही हम सिलेक्शन ले सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने मैं टॉप 20 टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिनसे हर साल अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज एक या दो क्वेश्चंस हर हाल में आते ही आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 11 के 10 टॉपिक्स की, उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 12 के 10 टॉपिक्स की और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास 15 मई, अगर मैं कल से बात करूं तो 15 मई से 15 जुलाई तक की भी बात की जाए तो 2 महीने का समय, जो कि बहुत है, सफिशिएंट है। इस बार बच्चों को काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट में आता है, आपको पता होगा, और इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर हाल में आता है। और बच्चों, इस टॉपिक से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड इक्वेशंस आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जुड़े हुए जो उसके एप्लीकेशन है उनके क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों, दैट इज़ एरर्स। वैसे तो एरर्स में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बट इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसा कि लास्ट ईयर 2019 के पेपर में भी आपने देखा होगा, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो एरर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो दो प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक परसेंटेज एरर का और दूसरा ऐसे क्वेश्चन जिनमें कई सारी वैल्यूज़ दी होती हैं और आपको उनका मीन निकालना होता है और उसके बाद परसेंटेज एरर फाइनली निकालना पड़ता है। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं फर्स्ट यूनिट के हैं 11 क्लास के। उसके बाद आता है बच्चों मैकेनिक्स वाला हिस्सा, और मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है मोशन इन प्लेन। एक्चुअली ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर ही है। मोशन इन प्लेन क्यों मैं इतना इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें खुद तीन पर्टिकुलर टॉपिक्स आ जाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़ा हुआ, रेन या रिवर प्रॉब्लम। लास्ट ईयर आपको पता होगा रिवर प्रॉब्लम आया है, कई सेटों में आया है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, बट ये भी आ सकता है, कई एग्ज़ाम्स में ये आता है, कई सेट में आ चुका है। उसके बाद सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में स्पेशली अगर आप देखें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। क्लियर है ना, एक बकेट के बारे में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल का। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एट द मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंशन जो है मिनिमम होता है, कहां पर मैक्सिमम होता है, कहां पर जो रस्सी है उसमें लैग आने के चांसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोलिजन। बच्चों, इस टॉपिक से हर साल गारंटेड किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आता ही है। कोलिजन में आपने जनरली क्वेश्चन देखे होंगे कि स्प्रिंग रखी है, ब्लॉक रखा है, वो टकरा रहे हैं और उसके बाद इतने कंप्रेशन के बाद वेलोसिटी बताएं, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन। या एक हेमिस्फेयर के ऊपर से ब्लॉक जो फिसल कर नीचे जा रहा है, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या और दूसरे कंसेप्ट की मदद से उसके बारे में बात करनी होती है, तो वो सारे टॉपिक कोलिजन के अंदर आ जाते हैं बच्चों। तो कोलिजन से भी एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। उसके बाद ये जो दोनों टॉपिक हैं बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो इन दोनों टॉपिक से आने ही आने हैं। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन बहुत आते हैं,
और रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ कर दिया जाता है, और डिफरेंट प्रकार की जो थ्योरम्स है जैसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, उनका यूज़ करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर भी आपने देखे होंगे 2019 के सेट में। फिर ग्रेविटेशन की बात करूँ और हीट की बात करूँ, तो याद रखिए कि आप यदि नीट के फिज़िक्स का हिस्सा क्रैक करना चाहते हैं, आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं और 90% क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो ग्रेविटेशन और हीट वाले टॉपिक को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटेशन और हीट जो है वो नीट का फेवरेट टॉपिक्स हैं, आपको ये समझ लेने हैं। विदाउट दीज टू टॉपिक्स यू कैन नॉट इवन इमेजिन टू क्रैक नीट फिज़िक्स पोर्शन। ग्रेविटेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, आप एक लिस्ट बना लें फॉर्मूलों की और उसके बाद आप पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स करें, थ्योरी करें, वो सब फॉर्मूलों से ही हो जाता है। उसके बाद हीट की बात करूं तो बच्चों हीट में दो मेन पोर्शन है, एक कैलोरीमेट्री का है जिसमें थर्मल एक्सपेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं, और दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स जिसमें फर्स्ट लॉ से जुड़े हुए कारनॉट साइकिल है, कारनॉट इंजन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं। उसके बाद बच्चों आता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, गामा CP/CV और गामा का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेशन, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, डायरेक्टली भी कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो प्लीज़ इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा कि मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, डायटॉमिक का गामा कितना है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो बच्चों टॉपिक आता है दैट इज़ SHM, मेरा फेवरेट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और JEE में भी कई क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ भी आते हैं, और फिर है वेव्स में भी अगर आप ध्यान दें तो साउंड वेव्स में भी अगर आप ध्यान दें तो बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, या फिर जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि रेजोनेंस ट्यूब हो गया, इस प्रकार के टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने आपको 10 टॉपिक्स बता दिए हैं, वैसे ये 10 से ज़्यादा टॉपिक्स हो चुके हैं एक्चुअली, बट ये मैंने आपको मेन 10 आपके हैमरिंग कर दिए माइंड में कि ये मेन 10 टॉपिक्स हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स, इनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है, मोशन इन प्लेन, इन तीनों में से भी क्वेश्चन आना ही आना होता है, रेन से आएगा तो रिवर से नहीं आएगा, रिवर से आएगा तो रेन से नहीं आएगा, प्रोजेक्टाइल से नहीं आएगा, फिर इससे आएगा, सर्कुलर मोशन से आना ही आना है, कोलिजन से आता है, सेंटर ऑफ मास, और इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया है। ग्रेविटेशन से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बच्चों जो 11th और 12th की फिजिक्स के डायरेक्ट आ जाते हैं, और थ्योरी बेस्ड होते हैं, वो आप यू छुट्टियों में क्रैक कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद मैंने SHM और वेव्स बताया। SHM में आपने देखा होगा कि कुछ इक्वेशन दे दी जाएंगी, उन इक्वेशन के बेसिस पे आपसे पर्टिकुलर मोशन पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई है, बताइए मेन पोजीशन से वो कितनी दूर जाके बराबर हुई है। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों इसमें। अच्छा, अब 11th का जो पोर्शन है उसके बाद हम आते हैं 12th के पोर्शन में। तो लास्ट ईयर के पेपर को अगर मैं देखूं तो उसमें कई सेटों में मैंने एक क्वेश्चन बहुत कॉमन देखा और वो था कलर कोडिंग का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो कलर कोडिंग का हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन का हो, चाहे रेजिस्टेंस का किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के साथ, सर्किट एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि AC सर्किट्स में होता था LC, LR आपको याद होगा और CR याद होगा। फिर बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ये भी दो होते हैं, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, आपको याद होगा। पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, ये वाला वायर ही क्यों लिया जाता है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया होगा वैसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और कुछ अच्छे प्रश्न भी आते हैं। अब वो अच्छे प्रश्न आप या तो कर रहे होंगे या फिर आप मेरे साथ कल से जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे उसमें कर सकते हैं, उस सीरीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है बच्चों कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में आए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आए, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक के साथ कंबाइंड करके आए, चाहे वो कॉम्बिनेशन के साथ आए किसी भी एलिमेंट के साथ, कैपेसिटर से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो और वो आप निकाल सकते हैं। डीप ब्रोगली वेवलेंथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन जाता है इसमें।
फिर रेडियोएक्टिविटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ऑप्टिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू जिस प्रकार ये दो पोर्शन मैंने आपको बताए थे और ग्रेविटेशन और हीट, ये जो पांच हैं, ये पांच ऐसे हैं जिनसे पक्का पक्का आता है, सारे बच्चे सुन लें। ये जो पांच हैं, सेंटर मास, रोटेशनल मोशन, मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पांच टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे हर हाल में क्वेश्चन आने ही आने हैं और फिक्स हैं और बहुत ही बेसिक आते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ाई कर रखी है आपने। इन द सेम वे आपको ऑप्टिक्स मिलेगी। अगर आपने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, आपको ऑप्टिक्स याद नहीं है, आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले याद नहीं है, वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट याद नहीं है, तो फिर मुश्किल है कि आप उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। इंटरफेरेंस के फॉर्मूले हुए, पोलराइजेशन के कुछ कंसेप्ट हुए, मेल्स लॉ हुआ, वेव फ्रंट क्या है, कितने प्रकार के वेव फ्रंट हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। आपके पास समय बहुत है, इसलिए आप आसानी से और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है मोशन ऑफ चार्ज। इससे भी लास्ट ईयर कई क्वेश्चंस आए थे, मैग्नेटिज्म के अंदर आता है ये। फिर मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के अंदर आता है साइक्लोट्रॉन, इसी के अंदर आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसी के अंदर आ जाते हैं एडी करंट या उससे जुड़ी हुई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। फिर बात आती है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, क्लियर है। इस टॉपिक को बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इससे दो से तीन क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, जी हाँ, एक ही पेपर में। और आते कैसे हैं, बोल्स मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एक बार तो क्वेश्चन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर आ चुका है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसे हम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आपने ट्वेल्थ में इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा होगा, तो वो क्या होते हैं वो आपको याद रखने हैं, उन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। बोल्स मॉडल पर भी बन सकता है, बोल्स मॉडल पर कैसे बनाएं लास्ट ईयर वो सुनो। रेडियस के एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, एनर्जी के याद होने चाहिए। आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता था, कुछ क्या रिलेशन होता था वो आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी टोटल एनर्जी का रिलेशन होता है। ये जो रिलेशन है ना, ये आपको याद होना चाहिए, इस पर बेस बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बनते हैं बच्चों। कैसे, स्पेक्ट्रल लाइंस आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है, किसका लैम्डा मिनिमम कितना है, किसका लैम्डा मैक्सिमम कितना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है जो बहुत इजी स्कोर करवा सकता है आपको, और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर पहला जो पोर्शन है वो है बेसिक सेमीकंडक्टर्स का बच्चों। तो लास्ट ईयर के सेट में मैंने कई क्वेश्चंस देखे और आपने भी देखे होंगे, आई होप देख ही लिए होंगे। पिछले कई सालों में आ चुका है कि सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है कि पी टाइप में क्या ज़्यादा होता है, एन टाइप में क्या ज़्यादा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है। आफ्टर दैट डायोड्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को मिलाकर, या स्पेशल पर्पस जो डायोड्स होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, इस साल जो 12th का सिलेबस था उसमें से ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट हट चुके हैं, बट कई बार लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा टॉप 20 टॉपिक्स का एनालिसिस। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आपके पास लगभग 2 महीने हैं तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपके पास आसानी से हर एक टॉपिक के लिए 2 दिन है, यानी कि आप हर एक टॉपिक को 2 दिन कर सकते हैं। आप जैसे मान के चलिए आपने कल से स्टार्ट किया और आपने डायमेंशनल एनालिसिस उठाया, तो हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू स्टडी। आप सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस की जो डायमेंशनल टेबल है, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन से जो 11th में और 12th में यूज़ होती, और दोनों को मिला के लगभग मान लीजिए कि आपके पास 40 से 50 डायमेंशन्स हो चुकी होंगी, करीबन 25 11th की होंगी और करीबन 15 से 20 जो हैं वो 12th में आती हैं, तो 45 के अराउंड मान लीजिए, 45 to 50। तो ये डायमेंशन्स पहले आपको याद करनी पड़ेंगी, इनमें से ज़्यादातर आपको याद होंगी क्योंकि 11th की आप 12th में यूज़ करते आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और 12th की आपको याद होंगी, अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम्स दे के आए हैं अगर अच्छे से प्रिपेयर किया था तो। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस आपने एक दिन पढ़ी, पूरी टेबल रिवाइज कर ली डायरेक्ट, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिनमें डायमेंशन याद हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, POH प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार आप 2 दिन में ये टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं।
क्लियर है, ज़्यादा क्वेश्चन ना करते हुए आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस करें और आसानी से हर टॉपिक को 2-3 दिन आप देंगे तो बहुत अच्छे से पूरी फिजिक्स हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, यानी कि आप मोर देन 90% फिजिक्स के क्वेश्चन निकाल सकते हैं आराम से। फिर बात करते हैं एरर्स की, तो मैंने आपको बताया एरर्स में थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ लें, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, एरर्स कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद उसके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस करें, लास्ट ईयर के सेटों में आया बहुत सारों में, डिफरेंट जो रीडिंग्स होती हैं एक से ज़्यादा रीडिंग वाले वैसे क्वेश्चंस भी आप करें। क्लियर है बच्चों? और यदि आपसे नहीं हो रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कल से मैं एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ नीट 2020 के लिए, जिसमें मैं इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा, और हर दिन जो है वो एक टॉपिक पे 2 वीडियोस आ सकती हैं, और हर वीडियो में जो है 3-4-5 क्वेश्चन जो भी हैं इम्पॉर्टेंट वो होंगे, जिनसे आप सीख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या आया था, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही सीरीज़ होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और उनसे कहें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं डेली ये वीडियो डालूँगा तो वो उन्हें पता चल सके और वो आसानी से उसे देख सकें। एक अपना टाइम फिक्स करिए और प्रिपेयर करिए, क्लियर है? उसी प्रकार आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं धीरे धीरे, जैसे रेन और रिवर प्रॉब्लम में बहुत बेसिक जो फॉर्मुलेज होते हैं वो आपको याद रखना है कि किस एंगल पर अम्ब्रेला को टिल्ट करना चाहिए, और जो स्विमिंग एंगल है वो कितना होना चाहिए था ताकि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही वर्टिकल मोशन जो है बकेट वाला, उसमें भी आपको वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, सेंटर मास में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, साथ के साथ जो आपने रिमेनिंग डिस्क पोर्शन वाले क्वेश्चन किए होंगे कि एक डिस्क है उसमें से एक पोर्शन काट दिया है तो बताओ सेंट्रल मास कहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके विदाउट आप कर ही नहीं सकते उसको, ग्रेविटेशन में फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, फॉर्मूले कैसे याद करेंगे आप 11th के सारे फॉर्मूलों की यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को अपनी सामने वॉल पर फिक्स कर लें, पेस्ट कर लें, तो उससे क्या होगा आप अगले 2 महीने तक जब तक पढ़ोगे तब तक आप उन्हें रोज़ रिवाइज करोगे, या फिर टॉपिक वाइज आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे। फॉर्मूले यदि याद हैं तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएंगे, विदाउट फॉर्मूले वो 10 क्वेश्चन चले जाएंगे जो ईजी हैं बहुत। क्लियर है? इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के लिए आपको याद होगा एक टेबल पढ़ते थे हम, एक ट्रिक पढ़ते थे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन याद होगा, या कई और तरीके से पढ़ा करते थे, वो टेबल या चार्ट आपको याद कर लेनी है क्योंकि हो सकता है भूल गए होंगे। फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते थे स्पेशल, जैसे कि झूमर टाइप हो गया या ट्रायंगल हो गया या व्हीटस्टोन टाइप हो गया, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में थ्योरी है जो आपको याद रखनी है, कैपेसिटर के क्वेश्चंस हैं, तो इस प्रकार ऑप्टिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स में TIR के पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं, उनके फॉर्मूले हैं, लेंस मेकर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स उनके केसेस हैं, लेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं याद रखना है इस बात को, सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत आता है, लास्ट ईयर भी आ चुका है, पहले भी आ चुके हैं। चलिए, तो मोशन ऑफ चार्ज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मैंने बता ही दिया, एनर्जी वाले क्वेश्चन आते हैं, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी पता होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आप इस पूरी फिजिक्स को आसानी से कर पाएंगे। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, इस तरीके से अगर आप चलते हैं और इन टॉप 20 टॉपिक्स को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं पूरा पढ़ने के बजाय, आप कोशिश करें इस प्रकार पढ़ें तो आपको आसानी होगी और आप कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को याद कर पाओगे और प्रेशराइज नहीं होगा आपका दिमाग। और आपको किस प्रकार की और वीडियोस चाहिए जो आपको मदद कर सकती हैं मुझे बताएं, तब तक के लिए नमस्कार।